गाइज, आपने इंटरनेट पर कैमरे से रिकॉर्ड हुई बहुत सारी स्लो मोशन वीडियोस को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी स्लो मोशन वीडियो को देखा है जिसमें अगर फुटबॉल को किसी के फेस पर मारा जाए तो उसका फेस स्लो मोशन में देखने पर कैसा दिखाई देगा, और अगर 120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलने वाली कार का अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो वो कार स्लो मोशन में कैसे दिखाई देगी। और हम सभी लोग मूवीज देखते हुए पॉपकॉर्न तो जरूर खाते ही है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक पॉपकॉर्न स्लो मोशन में पॉप होते हुए कैसा दिखाई देता है। तो गाइज, आज कि इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्लो मोशन वीडियोस लेके आया हूँ, जिन चीजों को स्लो मोशन में देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है फुटबॉल टू फेस। गाइस, अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं तो आपने कभी ना कभी फुटबॉल से चोट तो जरूर खाई ही होगी, और उससे होने वाले दर्द को तो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। तो इसी फुटबॉल से लगने वाली चोट को आज मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा कि अगर फुटबॉल को आपके फेस पर मारा जाए तो आपका फेस किस तरह का दिखाई देगा। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामने खड़े हुए व्यक्ति के फेस पर जब इस फुटबॉल को ताकत से मारा गया तो इस व्यक्ति का फेस स्लो मोशन में देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नंबर 9 पर है पॉपकॉर्न। गाइस, हम जब भी कभी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर पॉपकॉर्न तो जरूर खाते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई पॉपकॉर्न एक्चुअल में पॉप कैसे होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि किस तरह से एक पॉपकॉर्न पॉप होता है। तो गाइस, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कॉर्न स्लो मोशन में आपको पॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसे स्लो मोशन में देखने पर कुछ ये इस तरह का दिखाई देता है जैसे कि ये कोई फूल खिल रहा हो। और गाइस, इस स्लो मोशन वीडियो को 30,000 FPS पर रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 8 पर है हार्ड ड्राइव वर्क इन स्लो मोशन। गाइस, आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा होगा, और जिसका भी इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है तो आप सभी को हार्ड डिस्क के बारे में तो जरूर पता ही होगा। हार्ड डिस्क एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सारे के सारे डाटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये हार्ड डिस्क वर्क कैसे करती है इसे आप में से शायद ही किसी ने देखा होगा। तो गाइस, इसके वर्क को अंदर से देखने के लिए सबसे पहले हार्ड डिस्क को खोलना पड़ता है, और फिर हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क लगी होती है जो कि हार्ड डिस्क के काम करने पर बहुत ही स्पीड से घूमती है। तो गाइस, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक हार्ड डिस्क को नॉर्मली चलाया जाता है तो इसके अंदर घूमने वाली डिस्क इतनी स्पीड से घूमती है कि ये डिस्क घूमती हुई दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन जब इसी डिस्क को स्लो मोशन में देखा जाता है तो ये डिस्क कुछ इस तरह से काम कर रही होती है। उसके बाद जब इसी हार्ड डिस्क के ऊपर पानी डाल दिया जाता है तो ये पानी भी हार्ड डिस्क के ऊपर गिरते हुए स्लो मोशन में कुछ अलग ही तरीके का दिखाई देता है, जो कि डिस्क के ऊपर गिरते ही ये पानी चारों तरफ फैल जाता है, और फिर कुछ ही देर के बाद ये हार्ड डिस्क काम करना भी बंद कर देती है। नंबर 7 पर है टेनिस रैकेट बॉल स्लो मोशन। गाइस, जब एक टेनिस रैकेट के ऊपर बहुत सारे कलर्स को डाला गया और इन सब के ऊपर से मिट्टी को भी डाल दिया गया तो ये रैकेट देखने में बहुत ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसी रैकेट के ऊपर बॉल से मारा गया तो इसके ऊपर जमे हुए कलर्स और मिट्टी दोनों के दोनों ऊपर ही रह जाते हैं और ये रैकेट नीचे की तरफ चला जाता है, जिसे आप स्लो मोशन में क्लियरली देख ही सकते हैं। तो गाइस, इस स्लो मोशन वीडियो क्लिप के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 पर है 360 स्लो मोशन। गाइस, आप में से शायद ही क्यों होगा जिसने 360 स्लो मोशन के बारे में अब से पहले कभी सुना हो। इस 360 व्यू में कैमरा एंगल को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है और इस कैमरे को टारगेट के चारों तरफ गोल गोल तेज स्पीड से घुमाया जाता है, जिससे कि किसी भी वीडियो को 360 में देखा जा सके। जैसा कि आप इसी वीडियो को देख लीजिए जिसमें एक ग्लास में कलरफुल वाटर को रख दिया गया है और इसके ऊपर से जब एक बड़ी सी कांच की गोली को डाला जाता है तो ये पानी 360 डिग्री में देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और फिर इसके बाद जब एक कप के अंदर मिक्स कलर को रख दिया गया और इसके बाद जब इसके ऊपर से इस कांच की गोली को ड्रॉप किया जाता है तो ये कलरफुल कप 360 डिग्री में देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 5 पर है गोल्फ बॉल हिटिंग स्टील सुपर स्लो मोशन। गाइस, आपने मूवीज या सीरीज में तो गोल्फ खेलते हुए लोगों को जरूर देखा ही होगा, तो आपने इस गोल्फ बॉल को भी देखा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होती है। तो इसी तरह से एक गोल्फ बॉल को जब पूरी स्पीड से स्टील के ऊपर थ्रो किया गया तो इस स्टील के ऊपर थ्रो करने के बाद ये बॉल कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जो कि इस ठोस स्टील से टकराने के बाद ये बॉल पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है, और इस बॉल के फ्लैट होने के बाद का नजारा तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते।
सकते हैं कि स्लो मोशन में देखने पर ये बॉल किस तरह से दिखाई देती है। नंबर 4 पर है ब्लड वर्सेस एग। गाइस, गन से जब भी किसी चीज के ऊपर फायर किया जाता है तो वो चीज पूरी तरह से फट जाती है, क्योंकि गन से निकलने वाली बुलेट की स्पीड और रोटेशन बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से जिस भी चीज से ये बुलेट टकराती है वो चीज पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो तब क्या होगा जब एक बुलेट से एग के ऊपर फायर किया जाएगा? इस एग को स्लो मोशन में देखने पर ये कैसा दिखाई देगा? तो जैसे ही इस एग के ऊपर बुलेट से फायर किया गया तो इस एग को आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, और इस एग को तो स्लो मोशन में फूटते हुए देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एग नहीं कुछ और ही है। और इस एग को स्लो मोशन में फूटते हुए तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख ही सकते हैं। नंबर 3 पर है जाइंट रबर बैंड वर्सेस जाइंट एग्स। गाइस, क्या होगा जब एक रबर से बनी हुई बड़ी सी बॉल को एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के ऊपर डाला जाएगा और इसे स्लो मोशन में देखने पर ये कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले एक रबर बैंड से बनी हुई जाइंट बॉल को बहुत ऊंचाई पर ले जाया गया और वहां से जब इस बड़ी सी कुल्हाड़ी के ऊपर इस बॉल को डाला गया तो इस बॉल के ऊपर से कटने वाली रबर बैंड्स को आप स्लो मोशन में देख सकते हैं। नंबर 2 पर है कार क्रैश इन स्लो मोशन। गाइस, आपने अपनी लाइफ में छोटे मोटे एक्सीडेंट तो बहुत सारे देखे ही होंगे, लेकिन क्या होगा जब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली कार जब एक ठोस लोहे से जाकर टकराएगी? तो चलिए इस कार एक्सीडेंट को स्लो मोशन में देखते हैं। वैसे गाइस, ये कोई रियल एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक कार का क्रैश टेस्ट किया जा रहा है। जब भी कोई न्यू कार बनती है तो उसे बहुत सारे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें फाइनल जाकर क्रैश टेस्ट होता है, जिसके आधार पर गाड़ी को रेटिंग दी जाती है। तो जब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली कार तो एक ठोस लोहे या किसी ठोस जगह से जाकर टकराएगी तो इस कार का एक्सीडेंट स्लो मोशन में देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसके आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये कार फोल्ड हो चुकी है। और इस तरह के एक्सीडेंट में कार के अंदर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ये कार क्रैश टेस्ट आपको स्लो मोशन में देखने पर कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस, आपको इन सभी स्लो मोशन वीडियो क्लिप्स में से सबसे बेस्ट मोशन वीडियो क्लिप कौन सी लगी? और क्या आपने कभी अब से पहले पॉपकॉर्न को स्लो मोशन में पॉप होते हुए देखा था? अगर नहीं देखा था तो अब देखने के बाद आपको ये कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।